गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन कोचिंग। माई सेल्फ चिराग जोशी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिमाइंडर थियरम। डियर स्टूडेंट्स, दिस रिमाइंडर थियरम टॉपिक इज इन द 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। इन दिस लॉकडाउन सेशंस यू कैन प्रिपेयर सम टॉपिक्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड एंड सम टॉपिक्स ऑफ 10th standard. So when you will be in 10th standard, it will be very easy for you. Okay, let us see the remainder theorem. What does the theorem says? The remainder theorem says dividend equals to divisor into quotient plus remainder. ये theorem है. Theorem क्या कहता है कि dividend जो है वो divisor और क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन है प्लस रिमाइंडर। अभी आपको मैं समझाता हूँ डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन सिंपल एग्जांपल। सपोज 15 डिवाइडेड बाय 5। डियर स्टूडेंट, जिसको हमें डिवाइड करना है वो है हमारा डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग 15, सो 15 इज डिविडेंड। 15 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। सो ये है हमारा डिवाइजर। 5 threes are 15। यहां पे जो आता है उसे बोलते हैं कोशेंट, दैट इज कोशेंट। और लास्ट में जो मिलता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ सी, डिविडेंड जो 15 है, 15 है, वो क्या होगा? तो क्या डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 into 3, 15 प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे तो जीरो आ गया है, कभी कभार जीरो नहीं भी आता। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 15 इक्वल्स टू 5 into 3 प्लस जीरो। सो दिस इज द रिमाइंडर थियरम। अभी आपको पता चल गया डिविडेंड किसे कहते हैं, ये जो जिसे हमें डिवाइड करना है उसे बोलेंगे हम डिविडेंड। जिससे डिवाइड करना है वो है डिवाइजर। आंसर में जो ऊपर आता है वो है क्वेश्चन, और नीचे जो आता है वो है रिमाइंडर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। सो फॉर ईच एंड एवरी टर्म वी हैव अ सिंबॉल। For dividend we have the symbol P of X, for quotient we have the symbol Q of X, for divisor we have the symbol G of X, and for the remainder we have the symbol R of X. Dear students, दो method है। एक method है ऐसे ही आप सम कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरी method है long division। Long division 10th standard में भी आती है। Okay, in our textbook, in our exercise 2.3, they are not saying specify, they are saying that just find the remainder। हमें specifically ये नहीं बता रहे हैं कि आपको long division method से जाना है, तो हम जो easy method है वही करते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों method सिखाऊंगा, long division method भी सिखाऊंगा और जो easy method है वो भी सिखा दूंगा। तो पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ easy method। Dear students, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided, means इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? डिविडेंड। किससे डिवाइड करने वाले हैं? बहुत सारे नंबर्स है, पहले इसका सॉल्व करेंगे, बाद में इसका और फिर इसका। मीन्स दिस इज अवर p ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो हु इज अवर पी ऑफ एक्स। अवर पी ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस वन। जिसको हमें डिवाइड करना था वो है हमारा डिविडेंड। जिससे किससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो बन जाएगा हमारे लिए जी ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इजी मेथड। वो इजी मेथड क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपको जी ऑफ एक्स को एज्यूम करना होगा जीरो। यू हैव टू एज्यूम जीरो मीन्स जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो मीन्स जीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ये पॉजिटिव वन अगर यहाँ पे आ गया तो बन गया नेगेटिव। सो अभी एक्स की वैल्यू क्या हो गई है? माइनस वन। इन शॉर्ट आपको पी ऑफ एक्स का जो इक्वेशन है वहाँ पे जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे अभी आप क्या लिखेंगे? माइनस वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इंस्टेड ऑफ एक्स आई एम राइटिंग माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन। डियर स्टूडेंट्स, माइनस वन जो है उसका क्यूब माइनस वन ही रहेगा, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन इंटू थ्री वो बन जाएगा थ्री, थ्री इंटू माइनस वन बन जाएगा माइनस थ्री प्लस वन। डियर स्टूडेंट्स, माइनस वन एंड प्लस वन इज ऑल्सो डिडक्टेड, आंसर इज जीरो। सो द लास्ट आंसर रिमाइंडर इज जीरो। Reminder is zero. I hope you are able to understand, dear students. What was the question? Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. Divided by means this is our g of x. ये हमारा g of x है. तो मैंने क्या किया था? G of x equals to क्या assume कर लिया था? Zero. एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये बन गया मेरा क्वेश्चन पूरा और रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। सेकेंड वन आई एम डूइंग डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। अभी आप भी समझ गए हैं कि पी ऑफ एक्स क्या है। ये रहा हमारा पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। What is our g of x, dear students? Our g of x is x minus 1 by 2. What I have taught you that g of x equals to should be 0. So x minus 1 by 2. Dear students, this is negative 1 by 2 comes this side, it becomes positive. So 1 by 2 equals to x. Now, I will substitute 1 by 2. So instead of x I am writing 1 by 2. So 1 by 2 cube plus 3 1 by 2 square plus 3 into 1 by 2 plus 1. Please pay attention. 1 by 2 equals to cube hai, 1 ka cube 1 hai, 2 ka cube 8 plus 1 ka square 1 ho jayega, 2 ka square 4 ho jayega. ओके, सो थ्री वन बाय फोर प्लस थ्री वन बाय टू एज इट इज प्लस वन। ओके, सो वन बाय टू इक्वल्स टू वन बाय एट, थ्री मल्टीप्लाई विद द वन दैट इज थ्री बाय फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई विद द वन दैट इज थ्री बाय टू प्लस वन। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। हमें LCM फाइंड करना होगा और बेटर है कि हम ये मेथड से जाए। सभी के बेस में क्या है? 8 है, तो मैं सभी के नीचे 8 बनाने की ट्राई करूँगा। P 1 by 2 equals to 1 by 8 plus I will multiply 4 with 2. Okay, so it will become 8 and 3 with also 2. So 3 to 6 by 8 प्लस 4 3s are 12 by 8 प्लस 8 by 8। नाउ 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27 डिवाइडेड बाय 8। डियर स्टूडेंट,
योर आंसर रिमाइंडर इज 27/8. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स. वन मोर सम इज देयर, दैट इज x प्लस पाई. अभी आप समझ गए हैं कि x प्लस पाई जो है वो हमारे लिए g ऑफ x है, दैट इज अवर g ऑफ x. ओके, सो g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस पाई, दिस इज जीरो, x प्लस पाई, दिस पॉजिटिव पाई कम दिस साइड बिकम्स नेगेटिव. इट मीन्स अभी आपको x की जगह पे क्या लिखना है, माइनस पाई. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, सो इंस्टेड ऑफ x आई एम राइटिंग माइनस पाई. सो माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 × −π² प्लस 3 × −π + 1. आई होप इट इज क्लियर कंसेप्ट इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स. इट इज नाउ वेरी इजी, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो पी ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू, सी डियर स्टूडेंट्स, इफ यू विल डू द क्यूब ऑफ माइनस पाई इट विल रिमेन सेम. ओके, सो इट इज माइनस पाई क्यूब. ओके, सो माइनस पाई क्यूब प्लस, अगर आप माइनस पाई का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा. सो 3π² − 3π + 1. सो दिस इज अवर लास्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ईच एंड एवरी कंसेप्ट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, प्लीज पे अटेंशन इन द लॉन्ग डिवीजन मेथड. मैं इसी का करूँगा. दिस विल बी माई पी ऑफ एक्स एंड दिस इज माई जी ऑफ एक्स. देखिए मैं किस तरीके से ये पूरा सम करने वाला हूँ. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है. x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1. ओके, जो मेरा p ऑफ x है वो मैंने लिख लिया, दैट इज अवर डिविडेंड. क्वेश्चन्ड क्या था, g ऑफ x क्या था, सॉरी क्वेश्चन नहीं, डिवाइजर क्या था, x प्लस 1. ओके, नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग मेथड एंड इट हैज सर्टन रूल्स. उसके कुछ रूल्स है. रूल नंबर 1, यहाँ पे सभी पावर ऑर्डर में होने चाहिए. मीन्स 3 है तो उसके बाद 2, फिर 1 और 0, ठीक है, फिर कांस्टेंट आना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू अरेंज. सपोज एनीवन हैज गिवन दिस थिंग, दिस इज योर पी ऑफ एक्स, तो आप क्या करना है, आपको आपको इस तरीके से लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x + 1. दिस थिंग शुड बी रिटन इन दिस वे, देन यू हैव टू राइट हियर एज अ डिविडेंड. ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप के क्वेश्चंस में चेंज करना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल ये है कि स्क्वायर के नीचे ही स्क्वायर लिखा जाएगा, क्यूब के नीचे ही क्यूब, कांस्टेंट के नीचे ही कांस्टेंट. और पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि साइन चेंज करके ही हमें डिजिट्स अगर कट हो रहे हैं तो उसको हम कट करेंगे. देखिए नाउ फर्स्ट स्टेप, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, और यहां पे क्या है, एक्स. एक्स
क्यूब और एक्स मीन्स यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद दी एक्स, सो इट विल बिकम एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाई विद द वन, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस प्लस। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द वन दैट इज एक्स स्क्वायर। नाउ प्लीज सी हियर, ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मीन्स नेगेटिव कर दूंगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डिडक्टेड, पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर। सो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, साइन इज पॉजिटिव बिकॉज प्लस 3x स्क्वायर इज पॉजिटिव। नाउ दिस स्टेप विल कम डाउन साइड, प्लस 3x। आपको क्या करना है, इसी डिजिट यहाँ का पहला डिजिट जो लेना है वो है 2x स्क्वायर और यहाँ पे x, सो एक x कट हो गया, क्या बचा 2x, वो आपको यहाँ पे लिखना है 2x। नाउ विच साइन विल बी देयर, विच साइन इज हियर पॉजिटिव, देन हियर साइन विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। नाउ अगेन सेम थिंग, 2x विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस x, 2x दिस इज 2x विल बी मल्टीप्लाइड विद दी x, सो दैट इज 2x स्क्वायर। दिस 2x विल बी मल्टीप्लाई विद द 1, सो दैट इज 2x पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डिडक्टेड, प्लस माइनस। अभी इस साइन को आपको कंसिडर नहीं करना है, प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज x पॉजिटिव है, सो प्लस x, नो नीड टू राइट प्लस x, ओके, सो इट इज x। नाउ द 1 विल कम डाउन, सो प्लस 1। नाउ प्लीज सी हियर, दिस इज x, x को हम x से डिवाइड करेंगे, सो वो हो गया 1, सो दिस इज प्लस 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई विद द x दैट इज x, प्लस 1 मल्टीप्लाई विद द 1 दैट इज ऑल्सो 1, नेगेटिव नेगेटिव 0 0। डियर स्टूडेंट्स रिमाइंडर इज 0। सी x प्लस 1 इज वॉट, g ऑफ x, x प्लस 1 g ऑफ x है, ये तो हमारा क्वेश्चंट है, मीन्स दिस इज अवर q ऑफ x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और रिमाइंडर r ऑफ x वो क्या आया 0 0, ओके, एंड दिस इज अवर डिविडेंट। डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ लॉन्ग डिविजन मेथड, दिस इज व्हाट लॉन्ग डिविजन मेथड। रिमाइंडर तो पहले हमने जो किया था, मैंने इजी मेथड सिखाया था आपको, आई हैव टॉट दैट इजी मेथड, इन दैट ऑल्सो रिमाइंडर इज 0, इन दिस मेथड रिमाइंडर इज 0, बट दिस इज लॉन्ग डिविजन मेथड, ओके। मैंने एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन प्रैक्टिस दैट एग्जाम्पल्स। इफ आर हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी इन द लॉन्ग डिविजन मेथड देन आस्क मी, आई विल टीच यू अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।